दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट में आई हुई एक नई वैकेंसी, नई जॉब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी रीस्टोरर ग्रुप सी के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कितनी पोस्ट है, आपकी कैसी सिलेक्शन होगी और कब से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप करने हैं और एप्लीकेशन फी क्या है। पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हूँ ऑफिशियली वेबसाइट दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियली वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब टाइटल में यहाँ पे शो हो रहा है 10 फरवरी 2020 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और यहाँ पे एक पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ दिल्ली कोर्ट ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली डिटेल्ड वैकेंसी नोटिस, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं पोस्ट का जो नाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रीस्टोरर ग्रुप सी, और पे लेवल आप देख सकते हैं 7th पे सीपीसी है जो 5th का आपको लगेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाया गया है 132, जिसमें आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी को देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 36 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 21, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 33 और एससी के लिए 26 और एसटी के लिए 16 यहाँ पे पोस्ट दिखाया गया है। टोटल यहाँ पे पोस्ट है और कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन भी किया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए और यहाँ पे ब्लाइंड के लिए। तो आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। दोस्तों यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट से आपको दोस्तों ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट आपको कंप्यूटर स्पीड पे टाइपिंग करना आना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया है दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं शेड्यूल डेट की। तो यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन जो आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होगा वो 19 फरवरी सुबह 11 बजे से लेकर लास्ट डेट जो होगा 11 मार्च 2020 रात को 10 बजे तक। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेकिंग पेमेंट, तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करने का लास्ट डेट है 11 मार्च, यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे दोस्तों एज लिमिट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए, जो कि डेट कैलकुलेट होगा 1/1/2020 तक। और आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कुछ यहाँ पे अपर एज लिमिट में छूट दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए यहाँ पे कुछ छूट भी दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि आपकी एज छूट क्या है। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन जो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहला जो स्टेज है वो दोस्तों क्वालिफाइंग स्टेज में आपको प्रीलिम एग्जामिनेशन जो ओमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव से 45 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स जो होगा 120 मार्क्स का होगा और टोटल टाइम आपको 120 मिनट यहाँ पे मिलेगा, यानी 2 घंटे की एग्जाम होगी जिसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा उसका सबसे पहला जो यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया गया, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव से 45 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल अर्थमेटिक एबिलिटी से 30 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग भी है 25%, यानी 0.25 मार्क्स आपको एक रॉन्ग आंसर पे काट लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि अगला एग्जाम अगर क्वालिफाइंग अगर करना चाहते हैं तो आपको 60 मार्क्स लाने होंगे 120 में, यानी 50% आपका क्वालिफाइंग होगा, और रिजर्व जो कैटेगरी है उनके लिए 45% यहाँ पे अगले एग्जाम में क्वालिफाइंग करने के लिए उनको लाना पड़ेगा। तो जो अगला एग्जाम होगा दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेज 2 में आपको मेंस एग्जामिनेशन होगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड कंसिस्ट 2 पार्ट्स, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में आपके इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम होगी जो कि मेन एग्जामिनेशन होगा, और यहाँ पे टोटल मार्क्स 100 होगा और टोटल टाइमिंग जो आपको यहाँ पे दिखाया गया 120 मिनट दिखाया गया। तो दोस्तों ये है टोटल स्टेप ऑफ सिलेक्शन, आपकी कैसे कैसे सिलेक्शन होगी आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे जैसे आप दूसरा स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद से यहाँ पे आपको तीसरा स्टेप यानी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, जो कि 10 मिनट की यहाँ पे आपकी टेस्ट ली जाएगी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर पे। उसके बाद से जो चौथा स्टेप है दोस्तों इंटरव्यू है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, और ये जो दोस्तों 25 मार्क्स का है। तो ये है टोटल सिलेक्शन प्रोसीजर। एग्जामिनेशन फी की बात की जाए, और दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन फी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जो है 600 रुपए है, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन चार्ज विद पेबल बाई जनरल ओबीसी एनएससी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, एंड 300 रुपए जो है
अलॉन्ग विथ अप्लीकेबल जो SC ST और एक्स सर्विसमैन या PW जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ₹300 का एग्जामिनेशन फी रखा गया है और ₹600 जनरल OBC और EWS के लिए यहाँ पे अप्लीकेशन फी रखा गया है। तो दोस्तों ये है पूरा इन्फॉर्मेशन। अब आपको आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए आपको दिल्ली हाई कोर्ट कि ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है, वहां से आपको 19 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों यहां पे दिखाया गया हाउ टू अप्लाई, तो आप अप्लाई करने के लिए दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की जो ऑफिशियली वेबसाइट है delhighcourt.nic.in, इस वेबसाइट से जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि 19 तारीख से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। दोस्तों जैसे ही इसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के पब्लिश कर दूंगा कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करनी है स्टेप बाय स्टेप डेमो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS Helping Forever। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।